Assalamualaikum, alaikum students welcome to virtual university's class on production and operations management my name is marif sohail and today's lecture focuses on the idea of mrp or materials requirement planning up till now we have discussed various important aspects of improvement and operations of productive systems marif's discussion has learning objective is very clear अर्ली डिस्कशन ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट वी टॉक्ट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट डिमांड एंड डिपेंडेंट डिमांड मेकिंग श्योर कि आज की डिस्कशन में हम अपने स्टार्टिंग प्वाइंट को यहां से ही शामिल करें गुफ्तु में वी कैन अचीव सर्टेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहली बात तो यही है कि हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे वॉट इज एम आर पी एम आर पी की सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है एम आर पी की इनपुट्स क्या है एम आर पी प्रोसेसिंग क्या है एम आर पी आउटपुट्स क्या है उसके बाद वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मास्टर प्रोडक्शन स्कैटूल मास्टर प्रोडक्शन स्केट्यूल क्या होता है या मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होता है ये आप एग्रीगेट प्लानिंग में इसका जिक्र कर चुके हैं यू ऑलरेडी नो दैट इन्वेंट्री मैनेजमेंट से भी कुछ चीजें हम आज की डिस्कशन में इनकोपरेट करेंगे बिकॉज दैट्स वॉट वी हैड अनाउंस्ड अर्लियर इसके अलावा हमारी डिस्कशन आज फोकस करेगी कि एम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एमआरपी के बेनिफिट्स क्या हैं और हम लोगों की ये भी कोशिश होगी कि कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग को भी हम इनकॉपरेट करें अपनी डिस्कशन में और फिर हमारी जो डिस्कशन होगी वो उस स्टेज पर आ जाएगी जहाँ पर हम एम की एवोल्यूशन इन टू एम और ई को भी टेकअप करेंगे पहली बात तो ये कि हमें अपनी डिस्कशन शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजी किस स्पेसिफिक प्रोसेस को रिलेट करती है अगर आपके सामने कोई साहब आके कहें कि एम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग है तो मोरलेस आप उसकी बात उनकी बात को रद्द कर सकते हैं अगर वो आपसे आके कहें कि जनाब इसका मतलब मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग है और आप कहें कि जनाब ये बात दुरुस्त है तो आपने उन प्रॉब्लम्स का अपने आप को शिकार कर दिया जो आमतौर पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट में टर्मिनोलॉजी वाइज अक्सर ऑपरेशन मैनेजर परेशानी की सूरत हाल फेस करते हैं इज इट सो द रीजन इज सिंपल दैट एम always refers to Materials Resource Planning or Materials Requirement Planning or Manufacturing Resource Planning. Yani aapko bataya, teen se ye do important concepts roz ki zuban mein And hopefully when you will be able to complete your learning objectives on MRP, you would be able to understand the differences. सिमिलरली हम ये भी देखेंगे कि ई आर पी क्या होता है ना ई आर पी अफकोर्स रिलेट्स टू द फैक्ट दैट ई आर पी स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सो जब आप बात एंटरप्राइज लेवल पर लेकर आ जाएंगे तो यू वुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग साइड लोन यू वुड बी टॉकिंग अबाउट योर मार्केटिंग साइड यू वुड बी टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस साइड यू वुड बी टॉकिंग अबाउट योर डिजाइन साइड यू वुड भी टॉकिंग अबाउट योर होल सप्लाई चेन देखिए बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर हम इनिशियली इस चीज़ को तय कर लें कि हमारी जो डिस्कशन है वो किस जगह से शुरू होगी और किस जगह पे इख्तिताम होगी तो आई डिस्कशन वुड बी नॉट ओनली वेरी मीनिंगफुल बट जो हम सीक्वेंसिंग करते चले आ रहे हैं यानी सिक्वेंशियल ब्लॉक ऑफ लर्निंग के ऊपर अमल करते चले आ रहे हैं कि कुछ चीज़ें हमने अपनी पुरानी डिस्कशन से जो नतज अखज किए थे उनको हमने शामिल है गुफ्तु किया जो नतज हम आज के डिस्कशन से हासिल करेंगे उनको हम फ्यूचर में शामिल करेंगे द सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स की जिनका ताल्लुक आपके सिस्टम इम्प्रूवमेंट साइड से आ रहा है या आपके डिजाइन ऑफ द सिस्टम से आ रहा है देन यू शुड बी एबल टू ब्रिज द गैप एंड दिस ब्रिजिंग ऑफ द गैप इज योर सेंस

या उनकी रिक्वायरमेंट मालूम करनी है फॉर दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिमांड और इंडिपेंडेंट डिमांड हमने कहता है एक्सटर्नल होती है जेनरेटेड बाई द कस्टमर कस्टमर ने कह दिया कि जनाब आप मुझे तीन सौ एयर कंडीशनर्स प्रोवाइड कीजिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल और बेस्ड ऑन दैट यू वुड डेवलप एन इंटरनल डिमांड सिस्टम फॉर योर सब कंपोनेंट और सब असेंबलीस हमने बात की थी कि कंप्रेसर के अंदर एयर uh, कंडीशनर के अंदर कंप्रेसर या ब्लोअर मौजूद होता है या फैन मौजूद होता है तो अगर हमारी एक्सटर्नल डिमांड एयर कंडीशनर्स के लिए है तो डिपेंडेंट डिमांड हमारी बहुत ज्यादा क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगी क्योंकि एक एयर कंडीशनर में अगर एक ही कंप्रेसर और अगर एक ही फैन इंस्टॉल किया जाता है तो मोर लेस इफ यू हैव थ्री रिक्वायरमेंट डिमांड फॉर योर एयर कंडीशनिंग यूनिट तो वो थ्री हंड्रेड यूनिट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक थ्री हंड्रेड ही आपको कंप्रेसर्स चाहिए होंगे और थ्री हंड्रेड ही आपको फैंस चाहिए होंगे तो आपने देखा कि वी ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डिपांड एंड डिपेंडेंट डिमांड लेकिन ना इज द टाइम दैट वी शुड बी एबल टू सेटअप द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज अपलाइड इस स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं हमने कुछ ग्राफ्स की शक्ल में आपको कुछ चीज बताने की कोशिश की अब वो बात सिर्फ इतनी सी है कि वी आर सेटिंग अप रिलेशनशिप बिटवीन आर इंडिपेंडेंट डिमांड एंड डिपेंडेंट डिमांड आप वॉर से देख सकते हैं कि अगर आपको एक जगह पर इंडिपेंडेंट डिमांड में एक स्टेबल कंडीशन नजर आ रहा है तो उसके बरक्स वही चीज ट्रांसलेट होकर आपके सामने डिपेंडेंट ग्राफ के ऊपर लंपी या आप कह सकते हैं क्लस्टर की शक्ल में या एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आपको नजर आ रही है इनफैक्ट अगर आप वॉर से देखें तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ग्राफ्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डिमांड पैटर्न को और जो आपके राइट हैंड साइड पे ग्राफ्स हैं वो आपके डिपेंडेंट डिमांड पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो अगर हमने पहला कंडीशन ये कह दिया कि जनाब हमारी जो इंडिपेंडेंट डिमांड है अगर वो स्टेबल होगी तो हमारी डिपेंडेंट डिमांड

अगर आप अपने ग्राफ को गौर से देखें तो सेफ्टी स्टॉक लेवल की रिक्वायरमेंट जो इंडिपेंडेंट ग्राफ के ऊपर नजर आ रही है इट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू नो सेफ्टी स्टॉक लेवल इन द डिपेंडेंट डिमांड ग्राफ। उसकी वजह अगर आप जहन में रखें तो वही है आपसे जब डिस्कशन हुई थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तो हम लोगों ने यह बात तय की थी दैट इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल और दस्टमर डिमांड और कस्टमर डिमांड की जब भी बात होती है तो आपको किसी हद तक अपने साथ एडिशनल इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है इसके बरक्स जब कभी आप बात करेंगे डिपेंडेंट डिमांड की तो यू वो टेक इनटू अकाउंट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल डिमांड इंटरनल डिमांड को आप बहुत हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं इसके बरक्स इनडिपेंडेंट डिमांड इज मोस्ट ऑफ द टाइम अनकंट्रोलेबल तो जब कभी आपको ऐसी सिचुएशन महसूस हो जहाँ पर आपकी इनडिपेंडेंट डिमांड की साइट पे आपको रेपलनिशमेंट करनी पड़े या आप कह सकते हैं कि आइटम्स शॉर्ट हो गए हैं और आपको मेकअप इन्वेंटरी बनानी है तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आप देख सकेंगे कि आपके जो डिमांड पैटर्न है डिपेंडेंट आइटम्स की वो मोरोलेस बफर या सेफ्टी स्टॉक लेवल्स को इनकॉपरेट नहीं कर रही एंड इज we'll philosophy बिकॉज अभी जो आपके सामने ग्राफ्स मौजूद हैं वहाँ आप देख सकते हैं दैट जहाँ कहीं आपको इंडिपेंडेंट डिमांड ग्राफ के ऊपर एक कंटिन्यूल बेसिस के ऊपर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नजर आ रही है उसके

दिस इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि जो चीजें हम अपनी इंडिपेंडेंट डिमांड पैटर्न में इस्तेमाल कर रहे थे वो क्लियर कट तरीके से आपकी डिपेंडेंट डिमांड साइट पर इस्तेमाल नहीं हो सकती और इन अदर वर्ड्स जैसे अगर आपने इकोनॉमिक रन साइज की बात की या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वाटिटी की बात की इन्वेंट्री मैनेजमेंट में द सेम फिलोसफी कैनॉट बी टेकन अप टू कंप्लीटली आइडेंटिफाई द डिमांड पैटर्न फॉर डिपेंडेंट आइटम्स तो ये बात हमने तय कर ली हमने ग्राफ भी समझ लिए अब हमारी डिस्कशन का फॉर्मल आगाज होगा हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है हमें ये पता होना चाहिए कि मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग से हम कौन कौन सी चीजें अपने साथ लेके मटीरियल रिसोर्स प्लानिंग और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तक जा सकते हैं तो सबसे पहले तो आपके सामने मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग की डेफिनेशन और उस डेफिनेशन के साथ साथ हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसकी एप्लीकेशन उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपके सामने आपकी टेक्सट बुक से एक डेफिनेशन शेयर की जा रही है उसे प्लीज देख लीजिए मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट ट्रांसलेट्स योर मास्टर स्केड्यूल रिक्वायरमेंट्स फॉर एंड आइटम्स इन टाइम बेस्ड और टाइम फेस्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर सब असेंबलीस कंपोनेंट्स और

या आप कह सकते हैं कंप्यूटर हटा के भी प्लानिंग की फेज तक इस्तेमाल किया है और करते चले आ रहे हैं बट नॉर्मली इट इज सजेस्टेड दैट इफ यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एम आर पी यू शूड टेक इन टू अकाउंट दी अवेलेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दूसरी बात यह आपको पता होना चाहिए कि मास्टर स्केड्यूल क्या है अगर आपको याद हो जब हमने एग्रीगेट प्लानिंग की डिस्कशन की थी वी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल मास्टर कैजूअल जो है वो अगर आप और करें सिर्फ इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है कि अगर आपका एंड प्रोडक्ट एक कंप्यूटर या एक ऑटोमोबाइल है तो आपको किस स्टेज पे कौन सी सब कंपोनेंट या सब असेंबली की रिक्वायरमेंट होगी जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं और आप प्रॉमिस अपने कस्टमर से ये कह रहे हैं कि दैट ऑन द फर्स्ट ऑफ अप्रैल आई वुड बी एबल टू डिलीवर योर ऑटमोबील एटलीस्ट फिफ्टीन डेज बिफोर आपकी ऑटोमोबिल जो है वो कंप्लीट होकर अपने सारे चेक्स कंप्लीट करने के बाद जो भी आपकी सप्लाई चेन है उसके मुताबिक कस्टमर्स के करीब पहुंच जानी चाहिए एंड ऑन द फर्स्ट ऑफ अप्रिल इट शुड बी डिलीवर टू दस्टमर उसके लिए क्या जरूरी है दैट यू शुड प्लान योर प्रोडक्शन

की बेसिस पर आगे लेके जानी तो आपने मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की डेफिनेशन देखी मटेरियल प्लानिंग को अक्सर कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्कोप की वजह से डिसमिस कर देती हैं या बाईपास कर देती हैं देखिए स्कोप ऑफ एनी स्पेशल टाइप ऑफ फिलोसफी जो मैन्युफैक्चरिंग से डील करती है अगर आप प्रॉपर तरीके से बाउंड्री लाइन बनाकर नहीं ऑबजर्व करेंगे तो स्कोप जो होता है वो स्कोप करीब का शिकार हो जाता है यानी आप के जो स्कोप है वो मध्यम हो जाता है और आप मुख्तलफ ऐसी अनसरी डिटेल्स में शामिल करते चले जाते हैं अपने स्कोप में कि आपकी जो स्कोप की यूटिलिटी या इम्पॉर्टेंस है वो वीक हो जाती है तो पहली बात तो ये है कि आपके जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कुछ इस तरह से आपके सामने आती है दैट दर्गेनाइजेशन फेस दैट इंपॉर्टेंट चैलेंज दैट कस्टमर्स का आपको फोन आया उन्होंने ऑर्डर बुक किया और वो कह देते हैं कि जनाब हमें आपकी गाड़ी चाहिए आप कहते हैं कि जनाब मेरी ऑटोमोबिल आपको फर्स्ट अप्रैल तक मिलेगी एंड इफ टूडे इज देंथ ऑफ मार्च तब आप मुझे ये बताइए दैट हाउ इज इट पॉसिबल कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की तरफ से जनरेट हुई रिक्वायरमेंट आप इंस्टेंटली उसे मीट कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस को यही प्रॉब्लम बहुत अरसा पेश चली आती रही दैट इंडिपेंडेंट डिमांड और डिपेंडेंट डिमांड को वो किस तरह से एट द सेम टाइम फुलफिल करें क्योंकि इंडिपेंडेंट डिमांड तो आपके कस्टमर ने जनरेट कर दी बट उस इंडिपेंडेंट डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपके पास ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट डिमांड का प्रॉब्लम भी आ जाता है एंड इफ यू डो नॉट हैव प्रॉपर अरेंजमेंट्स यानी आप रॉ मटेरियल्स ना खरीद सकते हो या आपकी सब असेंबली ना अवेलेबल हों या आपके कंपोनेट्स ना अवेलेबल हों तो देर वुड बी अचुएशन जहां पर आप ऑर्डर फुलफिलमेंट नहीं कर पाएंगे एंड दिस वुड ऑफकोर्स लीड टू अचुएशन जहां पर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को बायपास करके आपके कम्पेटेटर के पास चला जाएगा विच इज नेचुरइजेशन के पास दो रास्ते हैं या तो वो इस शॉर्टेज ऑफ आइटम को फेस करते हुए बहुत ज्यादा एक्सेसिव इन्वेंट्री मेंटेन कर लें एक्सेसिव इन्वेंट्री में जहां आपकी रिसोर्सिस टाईप हो जाती है उसके साथ साथ यू फेस एनदर इंपॉर्टेंट चैलेंज विच इज दैट अगर आपके कस्टमर के इनिशियल रिस्पॉन्स आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नहीं आता एंड पीपल डिसाइड दैट वी आर नॉट गोइंग टू बायर ऑटोमोबील सारी की सारी जो आपकी इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो एक बड़े से क्वेश्चन मा की सूरत में आपके सामने आ जाएगी इसके बरस इफ कि जनाब हमने कम लेवल के ऊपर ही अपनी प्रोडक्शन को जारी रखना है तो वो भी एक चैलेंज होगा और हमने अपनी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज जो डेवलप की थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मैं आपको उसी साइड पर रेफर कर रहा हूँ यानी चाहे वो चेंज स्ट्रेटजी हो चाहे वो लेवल स्ट्रेटेजी हो अभी आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि हाउ वुड यू लाइक टू डू दैट तो आप मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग में ये चीजों चीजें किसी हद तक स्मूथली हैंडल कर सकते हैं अगर आपको अपनी इनपुट्स का पता हो अगर आपको अपनी प्रोसेसिंग का पता हो और मोर इंपॉर्टेंटली अगर आपको अपनी आउटपुट्स का पता हो तो सबसे पहली बात तो यह कि आपकी मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग में इनपुट्स कौन कौन सी हैं देर आर थ्री बेसिक इनपुट्स और वो तीन की तीन इनपुट्स आप पहले से देख चुके हैं पहले इनपुट है जिनाब जो आप अपने एग्रीगेट प्लानिंग के कॉन्सेप्ट से लेके चले आ रहे हैं विच इज द मास्टर प्रोडक्शन स्केजूल और मास्टर प्रोडक्शन स्केजूल जो है वो मोरोलेस आपको आइडेंटिफाई कर देता है कि जनाब आपको इस डेट पे इतने प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स के हवाले कर लें यह एक्चुअली मोर रियलिस्टिकली अगर आपने सौ ऑटोमोबील्स अपने कस्टमर को ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल प्रोवाइड करनी है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन इंडिविजुअल आई एम टॉकिंग अबाउट कस्टमर्स ठीक है तो अगर आपको सौ गाड़ियां अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है ऑन द फर्स्ट ऑफ अप्रैल तो जरूरी है कि आप बैक स्टेप्स में कुछ प्लानिंग और कुछ प्रोडक्शन को कंट्रोल इस तरह से करें दैट यू आर एबल टू प्रोवाइड हंड्रेड कार्स और हंड्रेड ऑटोमोबिल्स टू योर कस्टमर्स तो मास्टर प्रोडक्शन स्केड आपको प्रोडक्शन साइड पे इस चीज की फैसिलिटी देता है दैट इट अलाउज यू टू प्लान अहेड ऑफ टाइम एंड प्लान अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबल रिसोर्सेज तो एक इनपुट तो आपकी आगे मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में मास्टर प्रोडक्शन स्कैड्यूल दूसरी आती है जनाब इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स की जो आप अपनी इन्वेंटरी मैनेजमेंट की डिस्कशन से देख चुके हैं इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स किसको को आइडेंटिफाई करते हैं इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं कि जनाब आपके पास कौन सा पार्ट कितनी तादाद में मौजूद है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना चाहते हैं तो लेट मी शो यू अनदर इंपॉर्टेंट डायाग्राम इम्पॉर्टेंट डायग्राम को आप देखिए और कोशिश कीजिए कि आप आइडेंटिफाई कीजिए अपने डिस्कशन के साथ देखिए आपके सामने डायग्राम रख दिया गया इसमें आप गौर से देखिए तो आपको इनपुट्स भी नजर आ रही आपको प्रोसेसिंग या ट्रांसफॉर्मेशन एमआरपी की वो भी नजर आ रही एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको इसकी आउटपुट भी नजर आ रही तो हमने अभी आपके सामने दो इनपुट्स का जिक्र किया तीसरी इंपॉर्टेंट इनपुट है जनाब बिल ऑफ मेटीरियल्स की इफ यू आर इन दर्विसेज साइट

मेक यूज ऑफ द टर्म बिल ऑफ मटीरियल जो क्लियरली बता देते हैं कि अगर आपने कोई चीज बनानी है तो उसमें कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल आप कर सकते हैं वो चीजें इस्तेमाल करने के लिए दे वुड प्रोबेबली आइडेंटिफाई यू द क्वांटिटी एज वेल एज जो भी उसकी मटीरियल की साख्त है या जो उसकी भी कंस्ट्रक्शन है वो भी आइडेंटिफाई कर दी जाएगी तो

या कंपोनेंट्स या सब असेंब्लीस यानी अगर आपने ऑटोमोबाइल बनानी है तो उसका जो मास्टर प्रोडक्शन स्केडूल या मास्टर स्केडूल प्लान होगा उसमें अगर 10 गाड़ियां आपको चाहिए तो 10 गाड़ियों के जो एक्सटीरियर से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं या इंटरनल से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के कम्पोनेट्स हैं या कोई सब असेंब्लीज हैं लाइक इंजन साइड की या फॉर दैट मैटर एनी वो सारी की सारी अवेलेबिलिटी कैप्चर होगी आपके मास्टर प्लान के ऊपर दूसरी इनपुट हमने जिक्र किया इन्वेंट्री रैकेट की विच अगेन इज टॉकिंग अबाउट द सेम कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री रैकेट वुर टू दिन इन यो वेयर हाउसेस या वो ये भी आइडेंटिफाई कर देंगे कि कोई आइटम जो है वो अगर शॉर्ट हो गया है और उसकी आपने मेकअप इन्वेंट्री का ऑर्डर प्लेस कर दिया है या नहीं उसका भी स्टेटस आपको मिल जाएगा दर्ड इम्पॉर्टेंट वन इज द बिल ऑफ मटीरियल फिर जैसे कि हमने आपसे पहले अर्ज की थी कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में हमेशा कोशिश इस चीज की होती है देर इज अ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबल टू यू सो दैट यू शुड बी एबल टू मेक यूज ऑफ योर इनपुट देखिये एक गाड़ी ही बनाने के लिए आपको ऑन एवरेज पांच से छ हजार पार्ट जिसमें बड़े और छोटे नेट्स बोल्ड तक की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती उसकी मैनेजमेंट अगर आप अपने मैनुअल सिस्टम से करना चाहें तो करना तो पॉसिबल है बट इट वुड रिक्वायर अलाट मोर टाइम इसके बरक्स अगर आपके पास कंप्यूटर की एप्लीकेशन अवेलेबल है यू कैन टेक इट अप एज अ वेरी जिसे कहना चाहिए कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल असाइनमेंट एंड यू कैन एक्प्लिश दिस विद इन आई वुड से मिनट्स तब आप खुद देख लीजिए कि एम की रिक्वायरमेंट में जो कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट आ रही है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट कर रही है इस आइडिया को कि हमारे जो इनपुट तो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली डेटा बेस्ड होंगे उस डेटा बेस को आपने एम आर पी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कुछ आउटपुट में लेके आना है तो जो एम आर पी की आउटपुट है वो कौन कौन सी हैं अगेन रेफर टू द डायग्राम जो कुछ देर पहले आपसे शेयर किया गया था इसमें तीन तरह की आउटपुट्स आती है पहली तो प्राइमरी रिपोर्टिंग को शो कर रही है प्राइमरी रिपोर्टिंग की भी सब क्लासिफिकेशन है जिसे हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे सेकेंडरी रिपोर्टिंग इसकी भी कुछ क्लासिफिकेशन है एंड इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन देखिये इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन को आप अगर वॉल से अपने डायग्राम को देखें इट इज गोइंग बैक टू योर इन्वेंट्री रैकेट वाई इज इट सो अगर आपको याद हो वी टॉक्ट अबाउट एन अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वेन वी टॉक्ट अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जनाब उसमें बार कोडिंग होती है और बार कोडिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके जरिए हम अपने uh, जो आइटम्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन को ट्रैक कर सकते हैं कंटिन्यूसली व्हाई? आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर है इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर से आपने बार कोड को रीड किया अगर आपके वेयर हाउस से या आपके प्रोडक्शन यूनिट से कोई कंपोनेंट इस्तेमाल होने के बाद जा रहा है तो आपका इन्वेंट्री लेवल नीचे आ जाता है एट दैट पॉइंट इन टाइम दैट स्कैनिंग वुड फ्रिगर एंड ऑर्डर वो ऑर्डर ट्रिगर ऐसे होगा कि आपकी बैक साइड के ऊपर जो भी आपके कंटेनर्स हैं उसमें जो क्वांटिटी है वो माइनस हो जाएगी इतने नंबर ऑफ नट्स की इतने नंबर ऑफ बोल्ट्स की जो भी आप आइटम रवाना कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन जो आपके मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में आइडेंटिफाई की जा रही है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के लूप को किसी हद तक लिंक कर रही है दिस इज दी

इसकी जो फाइनल एलिमेंट्स हैं उनको भी समझने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई टू बी व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट यहां पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कोर्स रिलेटेड टू योर इन्वेंट्री साइड हमने लीड टाइम की बात की थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और वेर इनको एन अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज दमुलेटिव लीड टाइम

कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री का इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और उसके लिए मैंने जो एग्जाम्पल पिक की है वो एक कुर्सी की कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और कुर्सी के ऊपर अक्सर लोग अपनी जिंदगियों की पूरी बाजी हार देते हैं हमारा मकसद इस सब्जेक्ट में जिंदगी की बाजी को हारना नहीं जीतना है बाय बिकॉज वी वॉन्ट टू बिकम एन एफेक्टिव ऑपरेशन मैनेजर तो इस कुर्सी के एग्जाम्पल को आप देखिए आपके सामने कुछ

इसके बैठने के लिए एक क्वेश्चन अवेलेबल है इस तरह से बैक सपोर्ट के लिए एक आपने बैक असम्बली बनाई हुई है तो हमने प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री के जरिए ये चीज़ आइडेंटिफाई की है कि कौन से कंपोनेंट्स में कितने मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है जैसे अगर आपके सामने बात की जाए कि एक कुर्सी के चार पाए होते हैं तो वो चार लेग्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जनाब क्वान्टिटी रिक्वायर्ड इस

लेवल नीचे जाके जो सब असेंबली है वो ये है एक लेवल नीचे जाके ये सब असेंबली नो ओवर देयर यू वुड बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक या जैसा कहना चाहिए अगर आपको अपनी पुरानी डिस्कशन याद आ जाए वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिस्टम अप्रोच ओवर है हम सब सिस्टम्स आइडेंटिफाई कर देंगे और सब सिस्टम्स की डिटेल किसी और तरह से रेफर की जाएगी बट वट आई एम ट्राइंग टू से ऑर्गेनाइजेश लेके रॉ मटीरियल की स्टेजेस है वो बहुत कम होती है वहां पर यू मेक यूज ऑफ दिस आपके सामने ये रखा गया इट्स वेरी प्रैक्टिकल यू कैन टेक इट अप एज एन एक्सरसाइज के आपके घर में या आपके कमरे में जो चीजें मौजूद है उनको आप प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री के मुताबिक कैसे देख सकते हैं दिस ब्रिंग्स टू अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज इटर्मिनी एसोसिएटेड विद मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग प्रोसेसिंग साइट इसमें आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस रिक्वायरमेंट क्या है आपको पता होना चाहिए कि स्केजल रिसीप क्या है आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टेड इन्वेंट्री ऑन हैंड कितनी है या प्रोजेक्टेड मटीरियल या रिक्वायरमेंट ऑन हैंड कितनी है आपको नेट रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए इंपॉर्टेंटली यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दी प्लैंड ऑर्डर रिसीट्स एज वेल एज प्लान रिलीसिस देखिए आप मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कंट्रोल्स वीक हो जाएं एंड यू एंड अप लाइक रिसीविंग योर प्लान्ड ऑर्डर्स इन अप हेजेड वे और रिलीजिंग योर प्लान ऑर्डर्स इन अप हैजेड वे ऐसा अगर हो जाता है तो आपकी सिस्टम की जो इफेक्टिवनेस है वो तो मुतासर मुतासर हो ही रही है मोस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन साइट कौन सी होती है जो अपने प्लान को ऐसे तरीके से कंट्रोल करें चाहे वो हम फाइनेंशियली बात करें चाहे हम ऑपरेशंस के लिहाज से बात करें दैट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स शुड बी मैच योर एक्चुअल रिजल्ट्स। कुछ वेरिएंसेस आएंगी बट दोज वेरिएंसेस शुड अगेन भी विद इन दोबल एक्सेप्टेबल लिमिट्स जो हमने पहले से डिस्कस की थी जब हमने स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की बात की थी तब तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है इसकी प्रोसेसिंग साइट पे कुछ इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं सबसे पहली बात यह कि आपको ग्रास रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए आपको स्केड्यूल रिसीड्स का पता होना चाहिए आपको प्रोजेक्टेड ऑन हैंड इन्वेंट्री का पता होना चाहिए आपको नेट रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए आपको प्लैंड ऑर्डर रिसीड्स और रिलीजिस का पता होना चाहिए अगर आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ आ जाती है तो आपके लिए डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहूलत मैसर आ जाएगी हमारी मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो आजकल मौजूदा दौर में मौजूद है उसको अगर आप सच पूछिए तो आप किसी हद तक मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग की जगह मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग के नाम से याद करते हैं अगेन मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग का एक और इम्पॉर्टेंट लिंक बनता है सप्लाई चैन मैनेजमेंट से सप्लाई चैन मैनेजमेंट में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर या कम्प्यूटर एप्लीकेशन अवेलेबल हैं उन्हीं को जब आप जमा कर देते हैं यू एंड अप हैविंग द ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और ई तो कहने का मकसद ये है कि जो एम प्रोसेसिंग है इट प्र फॉर्म्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग दैट इज रिक्वायर्ड एट एम आर जिसको आप मैन्युफेक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग का नाम दे देते हैं एंड इवन स्मॉलर स्केल एप्लीकेशन ऑफ वॉट वी कॉल दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट टूल और अगर उससे भी आप ऊपर लेवल पर ले जाए तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तो हमारी जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन्स के कॉन्सेप्ट हैं वो ये हैं कि हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए बट एट द सेम टाइम हमें अपनी परफॉर्मेंस कंट्रोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहिए वेन वी आर टॉकिंग अबाउट मटीरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग और हमने कह दिया कि जनाब ये हमारे इनपुट्स हैं ये हमारी प्रोसेसिंग है और ये हमारी आउटपुट हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि देर आर सर्टन अदर कंसिडरेशन जिनको अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आपकी जो यूटिलिटी या अप्लीकेशन है एम आर पी की वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी सबसे पहली बात तो ये है दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ योर इंडिपेंडेंट डिमांड साइड इन्वेंट्री सिस्टम्स आपसे अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया गया था कि इन्वेंट्री सिस्टम्स में अगर आप सेफ्टी स्टॉक लेवल को मेनटेन नहीं करेंगे तो वो सारी की सारी चीज़ मोरलेस ट्रांसलेट होगी आपकी एमआरपी की पूरे परफॉर्मेंस के ऊपर तो जहाँ कहीं आप एमआरपी की बात करें और साथ में आप डिस्कस करें सेफ्टी स्टॉक को एंड दैट टू विद रेफरेंस टू योर इंडिपेंडेंट डिमांड यू शुड ऑलवेज रियलाइज के अगर आपने आइडियली एमआरपी का प्राइम एडवांटेज हासिल करना है यू शुड नाट अलाउ योर सेफ्टी स्टॉक लेवल टू गो बिलो

या दूसरी कंडीशन में तो यही है कि यू वुड नॉट बी एबल टू फुलफिल द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। देखिए आइडियल कंडीशन में तो हमने कह दिया कि जनाब आपकी एमआरपी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी इफ यू आर एबल टू मेंटेन दैट सेफ्टी स्टॉक लेवल और हम ये बात कहके अपने आप को बचा भी लेते हैं बट हकीकत यह है कि प्रैक्टिकल रीजन में कभी पता चलता है कि असेंबली लाइन पे कोई प्रॉब्लम आ गई या आपकी जिग्स या फिक्सचर्स या मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से स्क्रैप रेट एकदम से बढ़ना शुरू हो गई या मोर इम्पोर्टेंटली कोई बॉटल लेकर आ जाता पता चला कि आपने कहा कि जी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्यूटराइज सेंसर्स के जरिए वी नीड टू हीट और पेंटेड बॉडी शेल अप टू से सिक्स हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड और उसके लिए जरूरी है कि हम थर्टी मिनट्स या फोर्टी मिनट्स तक उनको प्रॉपर ही ट्रीटमेंट दें तो आप पूरे दिन में दस गाड़ियों से ज्यादा बना ही नहीं सकते और आपको अपने प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक बीस गाड़ियां बनानी है एट दैट पॉइंट इन टाइम दैट बॉटल नैक नीड्स टू बी एड्रेस्ट एंड दिस वुड बी टेकन अपज एन ऑपरेशन मैनेजर इन डिफरेंट ऑफ वेस अभी हमारी डिस्कशन उस तरफ नहीं जा रही बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से आपको सेफ्टी स्टॉक के कॉन्सेप्ट को ड्यू इंपॉर्टेंस देनी है वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट योर

तो यू शुड बी अवेयर दैट लॉर्ज साइजिंग इज द चूजिंग ऑफ अ लॉर्ज साइज फॉर ऑर्डरिंग और प्रोड्यूसिंग यानी आप चाहे ऑर्डर कह रहे हो या प्रोडक्शन कह रहे हो आपको एक चॉइस करनी है ऑफ अ लॉर्ज साइज विल टेक इट अप एज एन एग्जाम्पल वेरी सोन इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए आपको देखिये बात वही आ रही है कि लॉर्ज साइज की इंपॉर्टेंस आप अपनी इंडिपेंडेंट डिमांड साइट पर पहले से कवर कर चुके हैं ना दिस इज द डिपेंडेंट डिमांड साइट सो यहां पर थोड़ी सी चीज डिफरेंट डायमेंशन के साथ आपको टेकअप करनी पड़ेगी देखिये जब आप इंडिपेंडेंट डिमांड में बात कर रहे थे तो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग यूज ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वाटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर साइजेस और इकोनॉमिक रन साइजेस जब आप डिपेंडेंट डिमांड की बात करेंगे तो यू कैन हैव डिफरेंट मैथड्स अवेलेबल टू यू सबसे पहले तो लॉट फॉर लॉट ऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट आपके पास अवेलेबल है देन यू हैव द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक क्वांटिटी मॉडल सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स पीरियड ऑर्डरिंग एंड दे इज अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और एप्लीकेशन अवेलेबल टू यू एज एन ऑपरेशन मैनेजर विच इज नोन एज द पार्ट पीरियड मैथड और पार्ट पीरियड मॉडल मैथड हम इन सारे मैथड्स को कोशिश करके आज टेकअप करते हैं अगर आप पूछें कि जनाब इंडिपेंडेंट डिमांड में आपके पास सिर्फ दो मेथड्स हैं जो आप रेफर कर रहे हैं और आप ये भी साथ में कहते हैं कि जी इंडिपेंडेंट डिमांड जो है वो ज्यादा मुश्किल है उसके मुताबिक आपके पास ज़्यादा मेथड्स होने चाहिए तो बात सिर्फ इतनी सी है दैट व्हेन यू हैव इंडिपेंडेंट डिमांड मॉडल्स वी हैव डिपेंडेंट डिमांड मॉडल्स तो डिपेंडेंट डिमांड मॉडल्स में ज़्यादा नंबर ऑफ टाइप्स मॉडल की वजह से है

स्किल होगी कि विच मेथड वुड यू लाइक टू टेक अप सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉट फॉर लॉट ऑर्डरिंग मेथड लॉट फॉर लॉट ऑर्डरिंग मेथड क्या है इसकी हम कुछ फवायद और कुछ नुकसान देख लेते हैं पहली बात तो ये कि दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड जब बात सिंपलेस्ट मेथड की होगी दफ कोर्स इट विक्वायर लेस टाइम फॉर एप्लीकेशन और इसमें आप सिर्फ ये करते हैं दैट द रन साइस फॉर ईच पीरियड इज सेट इक्ल टू द डिमांड ये आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी कोशिश होती है कि हम अपने रन साइज को अपने डिमांड के मुताबिक इक्वल कर दें इसका सबसे बड़ा एडवाटेज मेरी नज़र में यह है दैट इट एलिमिनेट्स द होल्डिंग कास्ट फॉर पीरियड यानि अगर आपका एक पार्ट जो बन चुका है या ऑर्डर होना है उसको आप कैरी ओवर कर लेते हैं दूसरे पीरियड पर भी इवन देन यू आर नाट रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग कास्ट

वेयर हाउस से आपकी तरफ आ रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट इधर मुश्किल है आपको हर रन के लिए एक नया सेटअप करना पड़ता है या यूं कह सकते हैं कि अगर आपका एक ऑर्डर सौ दरवाजों का आ रहा है एक ऑटोमोबाइल के लिए अगले महीने वो 200 का आ रहा है तो यू कैन नॉट हैव अ फिक्स रन यू कैनोट है सेम सेटअप फॉर इनफेक्ट आपको एक दफा एक कंटेनर चा, आ, चाहिए होगा दूसरी दफा आपको दो कंटेनर चाहिए होगा या आपको एक दफा छोटा कंटेनर चाहिए होगा दूसरी दफा आपको बड़ा कंटेनर चाहिए होगा मोरल एस यू एंड आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लॉजिस्टिक्स ओवर हेयर अगेन द सेम कॉन्सेप्ट जब आप सप्लाई चेन में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो लॉट फॉर लॉट ऑर्डरिंग का मेथड है वो आपके लिए सप्लाई चेन इश्यूज भी पैदा करता है अब अगर आप सेटअप कॉस्ट को रिड्यूस कर दें तो तो आपके लिए मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा बिकॉज इसमें मोर लेस होल्डिंग कॉस्ट पहले ही मिनिमाइज है अब ये आपकी स्ट्रेटजी होगी एज एन ऑपरेशन मैनेजर टेकिंग अप सर्टेन टाइम कि जनाब हम कैसे अपने सेटअप कॉस्ट कम कर दें अगर आप सेटअप कॉस्ट कम कर देते हैं तो आप मोरलेस इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं आई एम नॉट गोइंग टू नेम द पर्सन बट देर वॉज अ पर्सन वर्किंग फॉर अ वेरी बिग कंपनी ही एंडेड अप क्रिएटिंग अ सिचुएशन जहाँ पर उसने कहा कि अगर हम तीन दिन लेते हैं सेटअप कॉस्ट करने में बेशक वो प्रोडक्शन साइट का एग्जांपल है और उन्होंने अपनी मेहनत से कोई दस साल पंद्रह साल मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जो सेटअप टाइम था वो इतना कम कर दिया कि पहले अगर तीन दिन लगते थे एक प्लांट के ऊपर सेटअप चेंज करने में फॉर अ डिफरेंट रन, दे वर एबल टू अचीव द सेम चेंजेस इन सेटअप विद इन थ्री टू फाइव मिनट्स तो ये एक स्किल होती है एज एन ऑपरेशंस मैनेजर होपफुली आपकी ये स्किल बहुत ज्यादा जल्दी डेवलप होगी और आप अपनी अचीवमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह से आगे बढ़ाएंगे दूसरा कंसिड्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेट करता है इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल को इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ लेस आइडियल ठीक है क्यों देखिए जब आपके पास हर दफ़ा यूनिक लोअर लेवल आइटम्स और मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है यानी अगर पेरेंट आपका प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल है और आपका जो चाइल्ड आइटम या कम्पोनेंट है वो दरवाज़ा है और एक दफ़ा आती है रिक्वायरमेंट आपके पास पे का जिसमें से दो दरवाजे हैं और उसका जो रेयर फेंडर है वो मुख्तलिफ ड का है एज़ कम्पेयर टू दिडान का जिसका रेयर फेंडर की डायमेंशन डिफरेंट है और नंबर ऑफ डोर इज फोर तो मोर लेस यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम वहां पर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज योर लोअर लेवल आइटम इज ऑफ यूनिक नेचर जब ये यूनिक नेचर ना हो और सिर्फ कॉमन आपके पास पार्टस हों मोरोलैस यू कैन मेक गुड यूज ऑफ दिस फिलोसफी टेक द एग्जांपल ऑफ द सेलफोन चार्जर जो हमने शायद पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि अगर एक मैन्युफैक्चरर दस हजार मॉडल लेके मार्केट में आके बैठ जाए लेकिन वो अपना जो चार्जर है वो एक ही नोयत का बनाए तो मोरलेस ही इज मेकिंग गुड यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एज वेल एज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैथड इज एनदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ओवर है विच इज वट वी कॉल दी फिक्स पीरियड ऑर्डरिंग अब देखिए फिक्स पीरियड ऑर्डरिंग में कॉन्सेप्ट का आ रहा है में आप मोर लेस रिलाई करते हैं अपने हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर और हिस्टोरिकल डेटा अगर ये बता रहा है कि आपके पास एक फिक्स लेंथ टाइम पीरियड की है यानी एक महीने के बाद हो या एक क्वार्टर के बाद हो तो आप बेहतर तरीके से अपने डिपेंडेंट डिमांड पैटर्न को हैंडल कर सकते हैं लेकिन इसमें से रूल ऑफ थंब इतना सा है दैट यू शुड बी एबल टू तो ऑर्डर टू तो कवर टू पीरियड्स इंटरवल अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो फिक्स पीरियड ऑर्डरिंग आपको फायदा पहुंचाएगी अगर आप ये रूल ऑफ थंब को ना फॉलो करना चाहें तो मोर और लेस यूल एंड अप फेसिंग द सेम प्रॉब्लम कि आपको पता ही नहीं होगी कि डिपेंडेंट मांड को आप किस तरह से प्रॉपर तरीके से इनडिपेंडेंट मांड के साथ लिंक करेंगे So, अब आपने देखा कि ये कंसिडरेशन हमने कवर की वी नाउ टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन बिकॉज ये हमारे लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और हो सकता है योर जॉब एज एन ऑपरेशन मैनेजर वुड रिक्वायर यू टू मेक यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एक्सटेंसिवली दिस इज नोन एज द पार्ट पीरियड मैथड और पार्ट पीरियड मॉडल पार्ट पीरियड मॉडल रिप्रेजेंट एन अटेम्प्ट टू बैलेंस योर सेटअप एंड होल्डिंग कॉस्ट अगर आपको याद हो जो पहला मैथड हमने टेकअप किया था उसमें हमने कहा था कि अगर हम अपने सेटअप कॉस्ट को मिनिमाइज कर ले तो इसमें तो होल्डअप कॉस्ट वैसे ही वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है जी आई एम रेफरिंग टू लॉर्ड फॉर लॉर्ड ऑर्डरिंग लॉर्ड फॉर लॉर्ड ऑर्डरिंग वाले कॉन्सेप्ट में तो ये प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली थी बट वी कुटिफाईट नाउ इट्स सर अपॉर्चुनिटी कि हम कोशिश करें कि बैलेंस कर दें सेटअप कॉस्ट को विद होल्डिंग कॉस्ट को पार्ट पीरियड मेथड की जो टर्म है यह अपने अंदर ही सारी कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर रही है पार्ट से मुराद एक आइटम या उसके कंपोनेंट्स या सब असेंबली पीरियड का मतलब टाइम और वो जो टाइम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एग्जांपल इफ योर बिजनेस होल्ड्स ट्वेंटी पार्ट्स फॉर थ्री पीरियड्स दिस वुड मीन दैट यू हैव एंड एंड वैल्यू ऑफ सिक्सटी पार्ट पीरियड कैसे ट्वेंटी मल्टीप्लाइट पीरियड ठीक है जनाब इसी बेसिस के ऊपर यू काम आप पी पी एंड इज द रेशियो ऑफ सेटअप कॉस्ट टू यूनिट होल्डिंग कॉस्ट पर पीरियड अगर आप ई पी पी के कॉन्सेप्ट को मजीद बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो यू कैन Develop an operation strategy over here. वो operation strategy develop करने के लिए आप पहले तो ज़हन में ये रखिए that if you are generating various order sizes, तो आप more or less एक planning horizon को पहले consider कीजिए और कोशिश करें कि आप जितने भी orders sizes generate करें उन orders sizes में number of parts की जो requirement है वो आप identify कर लेजिए. अब जो भी आपके पास नंबर आता है और वो ई पी पी के करीब तरीन होगा वो आपकी बेस्ट लॉट साइज का नंबर होगा और यही हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपने तमाम के तमाम मेथड्स को देखा उनकी एडवांटेजेस देखी उनकी डिसएडवांटेजेस देखी और फिर आपने लॉट साइज मेथड के मुताबिक स्ट्रेटजी डेवलप कर दी आपके सामने स्क्रीन पर Statement: ja hai. Use part-period method to determine order sizes for the demand schedule of a Montessori equipment manufacturer in Karachi. The setup cost is rupees 8000 per run for this item, and unit holding cost is rupees 100 for the order. Now we have presented the information available in the statement in the form of a table. We have some columns and calculations. Ke उन कैलकुलेशंस की बेसिस के ऊपर हमने कुछ वैल्यूज भी हासिल की है और जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं तो वो कुछ इस तरह से हैं दैट इन योर फर्स्ट कॉलम वी हैव प्लेस द इंफॉर्मेशन ऑफ पीरियड द ऑर्डर इज बीइंग प्लेस्ड हमने सेकंड कॉलम में लॉट साइज की बात की हमने थर्ड साइज में एक्स्ट्रा इन्वेंट्री कैरेट की बात की बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वी आर मेकिंग यूज ऑफ वी कमुलेटिव डिमांड अगर आप गौर से क्वेश्चन में देखिए तो जो क्वेश्चन के साथ टेबल मौजूद है उसमें हमने डिमांड टिव डिमांड के रोज दी हुई है उन रोज के मुताबिक आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हमारा फोर्थ कॉलम रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाइड एक्स्ट्रा इन्वेंट्री कैरेट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं पीरियड्स कैरेट के साथ तो ये एक कैलकुलेटेड सेल है उसके बाद वी हैव दार्ट पीरियड्स कॉलम एंड फाइनली वी हैव दामोलेटिव पार्ट पीरियड्स अब आप गौर से देखिए जहां पर आपकी कामोलेटि पार्ट पीरियड्स की वैल्यू मैच कर जाती है जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है ईपीपी की तो वही आपका सही ऑर्डरिंग लॉट साइज होगा तो ये तो आपने चीज देख भी ली और आइडेंटिफाई भी कर ली अब आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहनी है कि हमारे पास कुछ एम आर पी से रिलेटेड बेनिफिट हैं एमआरपी से रिलेटेड बेनिफिट कौन कौन से हैं सबसे पहला बेनिफिट है लो लेवल्स ऑफ इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज यानी हमने कोशिश की है कि जब हम डिपेंडेंट डिमांड के कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलें तो उसको हम इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस के नाम की इन्वेंटरी को भी शामिल करके उस लेवल को कम से कम रखें नंबर टू एडवांटेज इज द एबिलिटी टू ट्रैक मटेरियल्स रिक्वायरमेंट नंबर थ्री इज द एबिलिटी टू इवैल्यूएट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट एंड नंबर फोर इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द

इनपुट्स साइट पे मिस कर दियो वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन uh, आपने शायद अपनी प्रोसेसिंग साइट पे मिस कर दियो वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी आउटपुट या रिपोर्ट जनरेशन की साइट पे भी हो सकती है सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से योर बेनिफिट्स ऑफ एम शुड कम टू यू इफ दे आर नॉट रीचिंग यू देन देर इज आ प्रब्लम एंड दैट प्रॉब्लम नीड्स योर इंटरवेंशन अगर आपकी इंटरवेंशन पॉजिटिव होगी यू वुड बी एबल टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। अगर इंटरवेंशन आपकी कमजोर होगी तो आप इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इन आर नेक्स्ट लेक्चर वील ट्राई टू कम्पलीट आर डिस्कशन ऑन एमआरपी। आर पी वील ट्राई टू गो इन मोर डिटेल विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट्स द प्रोसेसिंग द आउटपुट एंड देन वील टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक इश्यूज रिलेटिंग टू MRP and more importantly, we will talk about materials requirement planning, evolution into manufacturing resource planning, and most importantly, to enterprise resource planning. Dear students, I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope that the concepts which we covered today would find judicious application in your future endeavor as an operations manager till the next time stay safe focus on your studies and be happy khuda hafiz